खासदार की सियासी वाबस्तगी रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स को हटाने का हुक्म दे। अदालती हुक्म नजरअंदाज करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, दरखास्त में ये इस्तेदा की गई है। निगरान वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत 22 ब्यूरोक्रेट्स को ओहदों से ना हटाने पर दरख्वास्त दायर की गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त जफर इकबाल मंगन के तवस्सुल से दायर की है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 22 ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ दरख्वास्त का 7 यौम में फैसला करने का हुक्म दिया। मौकिफ अदालती हुक्म के बावजूद वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमिश्नर लाहौर CCPO लाहौर ओहदों पर बरकरार हैं। ये मौकिफ अदालत में इख्तियार किया गया है। अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने आज तक तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त का फैसला नहीं किया। दरख्वास्त में ये मौकिफ अपनाया गया है। इलेक्शन कमीशन वाज़े तौर पर तौहीन अदालत है। वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी समीर सैयद, कमिश्नर लाहौर CCPO लाहौर सियासी वाबस्तगी रखते हैं। दरख्वास्त में ये मौकिफ भी अपनाया गया है।